श्रीमाणिक जय माणिक प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारा सबका जो जीवन है वो अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, अनेक समस्याएं हैं। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहे कि महाराज जी मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं, समस्या अनेक को समस्या है। एक आदमी भगवान बुद्ध के पास गया, उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ और मैं सुखी होना चाहता हूँ, आप कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा बहुत आसान है, तुम एक काम करो। शिष्य बोला महाराज बोलिए क्या करूँ। बोले ऐसा करो, किसी सुखी आदमी का शर्ट मांग के पहन लो, तुम सुखी हो जाओ। ठीक है, गया वो शहर में, गया जो सबसे बड़ा सेठ था शहर का, सबसे बड़ा व्यापारी था, उसके घर में गया। उसके घर में जाके बोला कि श्रीमान आपका एक पुराना कोई भी शर्ट हो तो दे दीजिए। तो सेठ ने कहा कि किस लिए चाहिए पुराना शर्ट, लेके क्या करोगे? बोला ऐसा है कि बुद्ध ने कहा है कि सुखी आदमी का शर्ट पहन लो तो सुखी हो जाएगा, इसलिए आप सुखी हैं तो आपका शर्ट मुझे चाहिए। सेठ बोला मैं कहाँ का सुखी, हाँ हैदराबाद की फैक्ट्री में इनकम टैक्स का रेड हो गया, तमिलनाडु की मद्रास की फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होके फायर हो गया, कल ही पत्नी से झगड़ा हो गया, वो मायके चली गई, मैं कहाँ का सुखी। फिर वो दूसरे आदमी के पास गया, एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे गांव के, उनके पास गया, बोला महाराज आपका एक शर्ट मुझे चाहिए पुराना। पंडित जी ने कहा किस लिए चाहिए? बोले बुद्ध के पास गया था, बुद्ध ने कहा किसी सुखी आदमी का शर्ट पहन ले तो सुखी हो जाएगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सुखी हैं तो आपका एक शर्ट मुझे दीजिए, पुराना शर्ट। पंडित जी ने कहा मैं कहाँ का सुखी, हाँ कल एक जगह गया था, वहाँ वाद विवाद हुआ, मुझसे बड़ा पंडित वहाँ आया था, उसने जो है मुझे हरा दिया वाद विवाद में, तब से मैं रो रहा हूँ, अभी तक तू आ गया बेकार में मेरा टाइम दिमाग खाने का। फिर वो गया एक सिनेमा एक्टर के घर में, हम लोग देखते ना टीवी में वगैरह सिनेमा एक्टर बड़े सुखी होते हीरो लोग, उनके पास गया, बड़ा हीरो उसके पास गया, बोला सर आपका एक शर्ट मुझे दीजिए पुराना शर्ट। बोले क्यों? तो मुझे कहा है कि सुखी आदमी का शर्ट पहनो तो सुखी हो जाओगे, बुद्ध ने कहा है तो आपका एक शर्ट दे दो। बोला मैं कहाँ का सुखी, मेरी 3 पिक्चर फेल हो गई, मैं कहाँ का सुखी, हाँ। तो इस तरह से वो जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ जहाँ भी गया, कोई सुखी आदमी उसको नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुखी आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, हाँ सुखी आदमी को कैसे, तो क्या वास्तव में सुख नहीं है क्या? अब प्रश्न ये उठता है, जगत में कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं,
आप सब दुखी हैं, तो इसका मतलब सुख नहीं है क्या? असुर 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 सुखी सुख नहीं है क्या? तो सुख है, सुख है, मगर उस सुख को हम खोज नहीं पाते। होता यह है सुख कहीं और है, हम कहीं और ढूंढते हैं उसको। अब देखिए, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने दुख हैं, वो सब किसके कारण हैं? तो हमारे मन के कारण है, हमारे मन के कारण है। हम जितने दुखी हैं, सुखी हैं, जो भी हैं, हमारे मन के कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमारे दुख का कारण है। दुख का पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण मन है। मन कैसे दुख का कारण है? तो आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, सबने हॉस्पिटल देखे क्या? इतने सारे लोग बीमार रहते हैं। आप गए हॉस्पिटल में किसी काम से, गए आपका एक मित्र है डॉक्टर है, उससे मिलने गए, इलाज कराने को नहीं, आपका मित्र है डॉक्टर, उससे मिलने गए। तो वहाँ गए आप, तो हॉस्पिटल में देखा आपने, इधर 100-200 लोग लेटे हुए, उधर 200 लोग लेटे हुए, कोई सलाइन लगी हुई है और क्या रक्त लगा हुआ है, दवाइयाँ खा रहे हैं, खांस रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, बीमार लोग पड़े हुए हैं सब। उनको देख के आपका दुख होता है क्या आपको? और मान लीजिए आप उस हॉस्पिटल में गए, वहां आपका, आपके पिता, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपका भाई वहां पलंग पे लेटा हुआ है, उसको देख के कितना दुख होगा? सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता, सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद वहां एक आदमी मर गया, मान लीजिए आप जा रहे हैं गाड़ी में, उस मरी हुई लाश को देख के आप गाड़ी रोकते हैं क्या? हाँ, नहीं रोकते, रुकेंगे तो पुलिस आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, अरे अरे मर गया बेचारा, आगे चलेंगे। हाँ, आगे जाने के बाद एक 10 किलोमीटर जाने के बाद आपको फोन आया कि वो जो वहां मोटरसाइकिल पर से गिर के मरा है वो आपका मित्र है, तो क्या होगा? हाँ, रोते हुए वापस आएंगे, रोते हुए वापस आएंगे, आपका मित्र है, आपका भाई है, आपका पुत्र है, कोई है मान ली, तो रोते हुए वापस आएंगे, आएंगे क्या नहीं आएंगे? तो ये परिवर्तन किसके कारण हुआ? मन के कारण, ठीक है। तो हमारे सारे दुखों की जड़ कहाँ है? तो मन में, मन में, ठीक है। अब हमको इलाज किसका करना पड़ेगा? मन का इलाज करना पड़ेगा हमको, इलाज किसका? मन का करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं मन का इलाज करते हैं क्या? हम बाहर का जो जगत है उसको सुधारने में लगे हैं, बाहर का जो जगत है उसको सुधारने में लगे हैं। कभी घर का वास्तु बदल दिया, वास्तु पंडित ने क्या कहा, ये दरवाजा इधर है, इससे तकलीफ हो रही है, तो ये दरवाजे को यहां से उखाड़ो, इधर बिठाओ, तो तुम्हारा सब सुधर जाएगा, ठीक है। कुर्सियां बदल दी, सोफा सेट बदल दिया, टीवी बदल दिया, हाँ अलमारी बदल दी, कुछ कुछ लोगों ने पत्नियां भी बदल दी। क्यों 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 बदली? दुख शायद इससे मिटे, शायद इससे दुख मिट जाए। हाँ, मिटता है क्या? हाँ, इसने ये पत्नी बदल दी, दूसरी आई वो उससे भी जल्लाद। हाँ, क्या करेगा? अपने दुख को मिटाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं? नई नई चीजें खरीदते, ये मोबाइल फोन है इसके कारण दुख है, फिर नया इससे बड़ा, इससे अच्छा, इससे खूबसूरत मोबाइल फोन खरीदा, कार खरीदी, एसी खरीदा, टीवी खरीदा, हाँ और क्या क्या चीजें, सब आभूषण खरीदे, साड़ियां खरीदी, हाँ हमकानी डमकानी चीजें खरीदते रहते, उससे दुख मिटता है क्या? अच्छा, हम क्या करते हैं कि दुख मिटाने के लिए कभी ऊटी चले गए, कभी शिमला चले गए, हाँ कभी काशी चले गए, कभी रामेश्वर चले गए, मिटा क्या दुख? आप लोग सब रामेश्वर जाके आए, दुख मिटा क्या? दुख नहीं मिटा, दुख जैसा का वैसा है।
तो दुख मिटाने के लिए हम परिवार बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, हाँ दुकान बदल देते हैं, कपड़े की दुकान है उसके कारण दुख है, अब क्या किया कपड़े की दुकान निकाल दी, उसकी जगह क्या पानीपुरी की मंडी लगा दी, कपड़े की दुकान बंद करके पानीपुरी की मंडी लगाई, दुख मिटा क्या? दुख नहीं मिटता। तो दुख क्यों नहीं मिटता? इसलिए नहीं मिटता क्योंकि दुख कहीं और है, इलाज कहीं और करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पैर में चोट है, मान लीजिए हमारे पैर में चोट है, तो पैर की चोट को मिटाने के लिए हम सिर में अगर पट्टी बांधेंगे तो पैर का दर्द कम होगा क्या? पैर में फ्रैक्चर है, हाँ ये वाला पैर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया तो पट्टी प्लास्टर जो है गर्दन में डाल ली हमने, गर्दन में प्लास्टर लगाए घूम रहे, क्यों? पैर में चोट है। कम होगा क्या पैर का दर्द? तो पैर का दर्द कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैर में ही इलाज करना पड़ेगा। गर्दन के दर्द के लिए गर्दन में ही इलाज करना पड़ेगा, आंख के दर्द के लिए आंख में इलाज करना पड़ेगा, और मन के दर्द के लिए मन का इलाज करना पड़ेगा, मन का इलाज करना पड़ेगा। तो मन का इलाज कैसे करें हम? हमारे मन का इलाज कैसे करें? ऐसा है, श्रुति में कहा गया है कि परांची खानी वैतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? परांची खानी, परांची खानी, वो सब बाहर की ओर उनका मुंह है। हमारी सब इंद्रियों का मुंह किधर है? बाहर की ओर है। परमात्मा ने इंद्रियां कैसी बनाई? वैतरणत स्वयंभू, परमात्मा ने इंद्रियां कैसी बनाई कि उनका सब फोकस कहाँ है? बाहर की ओर है। तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन, इसलिए ये इंद्रियां जो हैं उनकी प्रवृत्ति बाहर जाने की है, बाहर जाने की है, अंदर जाने की नहीं है। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, उनमें कोई एक बुद्धिमान, हजारों में कोई एक बुद्धिमान, कोई एक बुद्धिमान क्या करता है? प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मानमैक्षत, अपने अंदर जो है, अपने अंदर जो आत्मतत्व है उसको वो ऐक्षत यानी देखता है। और कैसे देखता है? आवृत्त चक्षु, आंखों को बंद करके देखता है, आवृत्त चक्षु। और किस लिए देखता है? अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करते हुए, दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा करते हुए, मुक्त होने की इच्छा करते हुए वो अंदर की ओर झांकता है। अंदर की ओर झांकना, इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है उपासना। उपासना, उपासना यानी कि आपको मालूम उपासना किसको कहते हैं? उपासना, उपासना यानी समीप बैठना, आसन यानी क्या? बैठना, आसन यानी बैठना, उपासन यानी क्या? उपासन, समीप बैठना, नजदीक बैठना, नजदीक बैठना। अब किसके नजदीक बैठना? किसके नजदीक बैठना? किसके नजदीक बैठना? परमात्मा के नजदीक बैठना। हमारे यहां बैठने की एक पद्धति है, न सिर्फ हमारे यहां, सभी धर्मों में बैठने की एक पद्धति है। बैठना, नजदीक बैठना, किसके समीप बैठना? परमात्मा के समीप बैठना। वो परमात्मा यानी कौन? परमात्मा यानी कौन? मेरे अंदर जो चैतन्य तत्व है वो परमात्मा, उसके नजदीक बैठना, उसके नजदीक। देखिए कि हम किसी के पास बैठते, लोग क्या कहते हैं मालूम है मुझे? कि महाराज तो जप वगैरह करा ला, उपासना वगैरह करा ला, मैं बस तो हार बोर हो तो बहुत बोर हो जाते, होता है क्या? नहीं बोर होते क्या? जप करने में, भजन करने में, उपासना करने में, पूजा करने बोर होता है क्या? नहीं, जल्दी जल्दी खत्म करके उठे,
बोर होता, ठीक है। अब जिसके नजदीक आप बैठे और आपको बोर हो रहा है, वो आदमी कैसा होगा सोचिए। मान लीजिए इस आदमी के पास मैं बैठा और मैं बोर हो रहा हूं, तो ये आदमी कैसा होगा? जिसके पास बैठ के हम बोर हो, वो आदमी किस काम का? किसी काम का नहीं। उपासना यानी हम अपने नजदीक बैठते हैं, हाँ, तो हमको बोर करने वाला कौन? हम खुद। तो हम किस दर्जे के आदमी हैं? अत्यंत घटिया। हमारा मन कब लगता है बोलिए? हमारा मन कब लगता है? किसी अच्छे आदमी के पास हम बैठे जो कोई कहानी सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई कुछ जोक बताए, कोई कुछ पॉलिटिक्स की चर्चा करे, कोई क्रिकेट की चर्चा करे, फिल्मों की चर्चा करे, ऐसे आदमी के साथ बैठ के मन लगता है? और जो कुछ भी नहीं बोले ऐसे ही बैठे, उसके पास बैठ के मन लगता है क्या? नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो हमारा मन अपने पास बैठने से नहीं लगता, तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? थर्ड क्लास। जिसके पास, देखिए सोचिए आप, हमारा मन हमारे पास बैठने से नहीं लगता, अपने पास बैठने से हमारा मन नहीं लगता, तो जिसके पास हम बैठे हैं वो आदमी बोर कर रहा है क्या? नहीं। जो बोर करता है वो कैसा होता है? थर्ड क्लास। तो हम कैसे हैं सोचिए। उपासना। अच्छा, उपासना में एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम ओड़ी उपासना करते, हम इतनी उपासना करते, हमको उसका कोई फल नहीं मिलता, फायदा क्या? इतना जप करते हैं कोई फायदा नहीं, इतना पारायण करते हैं कोई फायदा नहीं, हमको लाभ नहीं होता उसका, हम क्यों करें? हमको उसका जब लाभ ही नहीं होता तो हम क्यों करें? तो वहां एक समस्या है। समस्या क्या है कि हम वो काम जो करते हैं, उपासना जो करते हैं, वो ठीक तरह से नहीं करते। प्रोसीजर के अंदर गलती है, प्रोसीजर में गलती है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके पास जर्मनी से मंगाई हुई एक मशीन थी, बहुत बड़ी मशीन, करोड़ों रुपए की मशीन। वो मशीन अचानक खराब हो चलने, अब वो चली नहीं मशीन। बहुत से मैकेनिकों को बुलाया, उनको बुलाया, इनको बुलाया, सब लोगों ने कोशिश करके देखी, वो मशीन चलने नहीं। फिर क्या करें? फिर एक मैकेनिक था, उसको फोन किया तो मैकेनिक बोला कि ठीक है मैं आऊँगा और रिपेयर करूँगा, मगर मेरी फीस जो होगी वो देनी पड़ेगी आप, मेरी जो फीस होगी वो देनी पड़ेगी। अब मैकेनिक है, क्या मांगेगा फीस? बोले आ जाओ ठीक है कर दो। वो आया, उसने मशीन को इधर उधर से देखा, एक हथौड़ा लिया, एक जगह पे ठाक ठाक करके दो तीन मारे मशीन में, मशीन चालू हो गई। एक जगह पे हथौड़ी से ठोका उसने, मशीन चालू हो गई। चालू होने के बाद वो फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने कहा बता तेरी फीस कितनी? उसने कहा 1,00,000 रुपए। क्या बोला? 1,00,000 रुपए फीस है। बोला पागल है क्या, 1,00,000 रुपए फीस? हाँ, 1,00,000 रुपए फीस किस बात की? हमारे पास मैकेनिक आता 200 लेता, तू 500 ले ले चल। हाँ, हमारे पास कोई मैकेनिक आता 100-200 रुपए लेता, तू 1,00,000 बता रहा, 500 रुपए ले ले चल। बोला मैं भी 500 रुपए लेता हूँ फीस, मेरी फीस 500 रुपए है। फिर ये 99,500 काय के? बोले वो कहाँ ठोकना है इस बात के ज्ञान के। फीस कितनी? 500। फीस 500। और 99,500 किसके? किस जगह पे ठोकने से मशीन चलेगी उसके 99,500। टोटल बिल 1,00,000 रुपीज, 18% GST, 1,18,000 रुपए दिए। 1,18,000 रुपए दीजिए। तो हम उपासना करते हैं, और उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो विधि है, उसमें हमारे से गलतियां हो जाती हैं, उस वजह से वो मशीन चलती थी। तो इसलिए थोड़ा सा हम उपासना के विषय में आज देखेंगे कि उपासना कैसे होती, क्या होती, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी विधि क्या है। अब उपासना में दो चीज़ें हैं, एक है नाम स्मरण,
और दूसरा है जप। एक है नामस्मरण और दूसरा है जप। अब पहले हम नामस्मरण के बारे में जानते हैं। नामस्मरण में परमात्मा के नाम का स्मरण है, परमात्मा के नाम का स्मरण है। उस नामस्मरण के लिए कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, उसका कोई प्रोसीजर नहीं है। स्नान करके ही करो ऐसा कोई विधान नहीं, इसी अमुक आसन पे बैठ के करो ऐसा कोई विधान नहीं, बिना भोजन किए करो ऐसा कोई विधान नहीं, लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो, गाड़ी में करो, पैर में जूते हों तो करें या न करें नामस्मरण। बहुत से लोग पूछते हैं, महाराज मुंबई के लोग ज़्यादा पूछते हैं, महाराज अभी लोकल ट्रेन में जातो त्यावेळेला नामस्मरण केलं तर चालेल का? चालेल। त्यावेळेला जप केलं तर चालेल का? नाही। जप में और नामस्मरण में फर्क है। नामस्मरण आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में, कपड़े पहन के करो, नहाते समय करो, बाथरूम में करो, पलंग पे करो, लेटे हुए करो, जागते ही करो, भोजन करते समय करो, कभी भी करो, भोजन करके करो, बिना भोजन किए करो, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वो उदाहरण शास्त्र में दिया गया है कि माता की गोद में बैठने के लिए क्या विधि है, बताइए। हमको कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना है, उसके लिए कोई विधि है क्या? नहीं। क्या विधि है? IAS पास करना पड़ेगा, उसके लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर IAS पास करना पड़ेगा, फिर वो कोटा के अंदर करेक्ट फिट होना पड़ेगा, अमुक जाति का, तमुक जाति का, वो सब, और उसके बाद IAS की परीक्षा देनी पड़ेगी, IAS का इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर पास होने के बाद ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग होने के बाद जब अपॉइंटमेंट होगा उस समय आप जाके कलेक्टर रंगारेड्डी, कलेक्टर बीदर, कलेक्टर गुलबर्गा, कलेक्टर संगारेड्डी, उस कुर्सी के ऊपर जाके आप बैठ सकते। आपकी माता की गोद में बैठने के लिए या सिर रखकर सोने के लिए कौन से विधान की आवश्यकता है, कौन सा नियम है उसके लिए? कोई नियम है क्या? कभी भी जाओ, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में जाओ, माँ की गोद में सिर को सो जाओ। तो नामस्मरण कैसा है? शास्त्र में कहा गया है जिस प्रकार बालक माता की गोद में बैठता है और वहाँ कोई विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आचार नहीं है, उस तरह से आप कभी भी कहीं भी नामस्मरण करो, नामस्मरण करो। दूसरा है जप। जप, अब ऐसा है, जप में और नामस्मरण में क्या फर्क है? जप में और नामस्मरण में क्या फर्क है? तो फर्क बड़ा सूक्ष्म है। फर्क ऐसा है कि हम डॉक्टर के पास गए, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया, तबीयत दिखाई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ऐसा करो सुबह उठ के एक सेब खाओ, थोड़ा सा व्यायाम करो, हाँ प्राणायाम करो, योगासन करो और वॉकिंग करो, शहद खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, ठीक हो जाओ। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। मैं कुछ कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनको ये उपाय पर्याप्त नहीं है, सेब खाओ, बादाम खाओ, शहद खाओ, दूध पियो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आसन करो, रोग कम होगा क्या? कुछ रोग कम होते हैं, कुछ रोग कम होते हैं, है? मान लीजिए मोटापा है, शरीर के अंदर मोटापा है, डॉक्टर के पास गए, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, शक्कर मत खाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक हो जाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए किडनी फेल हो गई तो आलू मत खाओ, शक्कर मत खाओ, ठीक हो जाओ, ठीक है? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर उसको एडमिट करना पड़ता है, फिर उसको एडमिट करना पड़ता है। एडमिट करके बाकायदा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स की जाती है, बाकायदा उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स कर, इसको सलाइन चढ़ाओ सबसे पहले, उसके बाद उसका डायलिसिस करो, उसके बाद उसको गोलियां दो, उसके बाद ज़रूरत पड़े तो किडनी निकालो और दूसरी किडनी बिठाओ, ये सारा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ता है उसको, है ना? तो नामस्मरण कैसा है कि उसके लिए कोई विधि निषेध नियम कुछ नहीं है, वो एक साधारण
जैसे डॉक्टर ने कहा कि शहद खाओ, दूध पियो, ठीक हो जाओ, बादाम खाओ, ठीक हो जाओ। और जप क्या है? जप यानी हॉस्पिटल में एडमिट होना है। जप कैसा है? हॉस्पिटल में एडमिट होना है। और एडमिट होने के बाद वहां नियम है, नियम क्या है? अमुक तरह के कपड़े पहनो, अमुक तरह से बैठो, अमुक तरह से लेटो, हाँ, अमुक एक्सरसाइज करो, हाँ, अमुक सलाइन लगाओ, अमुक दवाई खाओ, इतने बजे खाओ, उतने बजे खाओ, ये सारे नियम वहां लागू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा काम केवल नामस्मरण से चलेगा या जप से जप भी करना पड़ेगा? हमारा काम केवल नामस्मरण से चलेगा या फिर अधिक जप करना पड़ेगा? ये किसके ऊपर निर्भर है? ये रोग की, जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, कि रोग जितना सीरियस होगा उतना जो है रोग की गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है। रोग जितना सीरियस होगा उतना ही सीरियस उसका उपाय होगा। हमारा रोग अगर गंभीर है, और हम केवल नामस्मरण करें, नामस्मरण का लाभ होगा? लाभ होगा नहीं, लाभ तो होगा, किंतु एडमिट होकर हॉस्पिटल के अंदर सलाइन चढ़वाकर, दवाई खाकर, डॉक्टर की निगरानी के अंदर जो इलाज होगा वो लाभ होगा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, हम जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी वो शहद खाना, दूध पीना, सेब खाना चालू है। ये ध्यान दीजिए बात, सर्वसाधारण जो स्वास्थ्य के नियम हैं वो तो हॉस्पिटल के अंदर भी लागू होते हैं। डॉक्टर भी बोलेगा सेब खाओ, शहद खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, बोलेगा डॉक्टर। उसके साथ साथ इंजेक्शन भी देगा, उसके साथ साथ सलाइन भी लगाएगा, उसके साथ साथ और जो इलाज करने हैं वो सारे इलाज करेगा। तो इसलिए नामस्मरण जो है ये एक जनरल साधारण, सर्वसाधारण, ऐसा सबके लिए एक सर्वसाधारण उपाय है। विशेष परिस्थिति में हमको विशेष साधन की आवश्यकता पड़ती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम जप है, तो ये फर्क आपकी समझ में आए, नामस्मरण में, जप में। हाँ, रेलवे में आप बैठे हैं तो वहां आप स्मरण कर सकते हैं, पैर में जूते हैं, आपने कुछ खाया, हाथ भी नहीं धोया है, फिर भी आप परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, याद करने के लिए कोई नियम नहीं, परमात्मा को स्मरण कर सकते। किंतु अगर आप जप कर रहे हैं तो फिर उसके लिए नियम आते हैं, तो अब हम थोड़ा सा जप के विषय में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे। भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, हमारी भाषा में हम कहें जितने भी उपाय हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, उनमें, उन सारे उपायों में, उन सारे यज्ञों में मेरा स्वरूप क्या है? जप यज्ञोस्मि। सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट क्या है? तो जप यज्ञ है। आगे भगवान स्थावराणाम हिमालय, स्थावर वस्तुएं जितनी हैं उनमें हिमालय मैं हूं, अपनी विभूतियों को भगवान गिना रहे। हमारा संबंध यहां यज्ञानाम जप यज्ञ उसमें से है। तो जप यज्ञ, उपासना में सर्वश्रेष्ठ उपाय जो है वो जप है। मनुस्मृति में भगवान मनु महाराज भी कहते हैं कि ये पाक यज्ञाश चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। हमारे यहां पंच महायज्ञ बताए गए हैं, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ये पांच यज्ञ। इनमें यहां चार यज्ञों का वर्णन है, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ, ये चार यज्ञ। इन चारों यज्ञों से, ये चारों यज्ञ कैसे हैं? विधि यज्ञ समन्विताः, विधि पूर्वक किए जाने वाले जो यज्ञ हैं। और सर्वे ये पाक यज्ञ चत्वारो,
ये जो चार हैं इनको पाक यज्ञ कहा गया है, क्योंकि यहाँ संबंध इन चारों यज्ञों का अन्न से आता है। देव यज्ञ यानी क्या? तो वैश्वदेव हम करते हैं नैवेद्य से पूर्व, या नैवेद्य भी देव यज्ञ में ही आता है, वैश्वदेव भी देव यज्ञ में आता है। तो वैश्वदेव करते सूर्या स्वाहा सूर्या इदन्नमः, ये वैश्वदेव है। तो वहाँ देवताओं को अन्न की आहुति हम देते हैं, तो वैश्वदेव है, वो पाक यज्ञ है, उसके लिए अन्न का पाक का भोजन बनाने का संबंध आता है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ ने क्या? भूत यज्ञ ने बलि वगैरह जो हम देते हैं उसको भूत यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ ने पितरों के प्रीत्यर्थ जो श्राद्ध वगैरह करते हैं उसमें भी अन्न का संबंध आता है। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ ने क्या? अतिथियों को ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये मनुष्य यज्ञ, उसमें भी अन्नदान आता है, तो वो भी पाक यज्ञ है। भगवान मनु महर्षि कहते हैं सर्वे ते जपयज्ञास्य कलाम नारहंति षोडशी, ये चारों यज्ञों का है जपयज्ञ का जो फल है वो इन चारों यज्ञों में एक आना भी नहीं है। कलाम नारहंति षोडशी, एक रुपए में पुराने जमाने में 16 आने होते थे, 16 आने कला यानी उसका एक हिस्सा। तो जपयज्ञ का 16वां हिस्सा भी नहीं है क्या? ये चतवारो, ये पाक यज्ञ चतवारो, ये पाक यज्ञ जितने चार हैं ये जपयज्ञ का कलाम नारहंति षोडशीम उसका एक 16वां हिस्सा भी, 1/16 भी नहीं है। इतना बड़ा फल जो है वो जपयज्ञ का है, जपयज्ञ का है। तो जप जो है वो बड़ा महत्व का है। अब वो जप का हमको फल प्राप्त नहीं होता, तो मैंने उदाहरण दिया जप हम ठीक से करते नहीं है इसलिए फल प्राप्त नहीं होता। यदि विधि पूर्वक अगर करेक्ट पद्धति से हम जप करें तो निश्चय ही उसका फल प्राप्त होता है। तो यहां बात है कि उपासना यानी मन को वश में करना। उपासना का शब्द का अर्थ मैंने पहले बताया, उपासना जो है वो मानस व्यापार है, मानस व्यापार है। उपासना यानी मन से की जाने वाली क्रिया है, उसका नाम मानस व्यापार है। तो जप भी एक मानस व्यापार है। तो सबसे पहले जप में मन को वश में करना है। तो मन को वश में करने से पहले हमारे पास जो उपलब्ध है जिसको हम आसानी से वश में कर, अच्छा मन को वश में करना आसान है क्या? मैं हमेशा मजाक करता हूं, उदाहरण देता हूं, एक 5 सेकंड के लिए कोई भी बंदर के विषय में नहीं सोचेगा, कोई भी बंदर के विषय में नहीं सोचेगा 5 सेकंड। आया क्या नहीं बंदर मन में? आ जाता, आपकी इच्छा के बगैर आता है। तो मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु शरीर को वश में करना आसान है। सब लोग सीधे बैठेंगे, सीधे बैठे सब लोग बैठे क्या नहीं, कितना आसान, कुछ परिश्रम हुआ शरीर को? शरीर को वश में करने में कोई परेशानी हुई क्या? तो शरीर को हम वश में कर सकते, तो इसलिए जो पहले किया जा सकता है उसको करना चाहिए, जो पहले किया जा सकता है उसको करना चाहिए। तो भगवान ने भगवद गीता के 6वें अध्याय में ये सारी विधि विस्तार पूर्वक कही है। तो सबसे पहले कहा कि शरीर को वश में करो, शरीर से पहले स्थल। तो जप करने का स्थल कैसा होना चाहिए? जप कहाँ बैठ के करें? लोकल ट्रेन में करें चलेगा, बस में करें चलेगा, बैंक में करें चलेगा? तो जप करने के लिए पवित्र ऐसा स्थल होना चाहिए, कोई देवालय हो, कोई मठ हो, कोई मंदिर हो, पवित्र वृक्ष हो, औडुम्बर हो, बिल्व हो उस वृक्ष के नीचे, अथवा अपने घर में, अपने घर में बेडरूम में करेंगे तो चलेगा? अपने घर में जो पूजा स्थल है, देखिए आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आजकल जो घर मैं देखता हूँ वहाँ पूजा स्थल होता ही नहीं। वो पूजा स्थल कहाँ होता है? किचन के अंदर, हाँ किचन के अंदर एक छोटा सा एक आला होता है और वहां पर अपना कुल देवता की स्थापना कर देते हैं। यहां जप कर रहे हैं वहां पीछे से हींग की खुशबू आ रही है, आहा वहां पीछे से हींग, हाँ होगा क्या बताइए? तो सबसे पहले स्थल होना चाहिए जप करने के लिए, एक शुचि
अत्यंत पवित्र ऐसा स्थल होना चाहिए। उस स्थल पर एक आसन होना चाहिए, आसन होना चाहिए। वो आसन न बहुत नीचा हो न बहुत ऊंचा हो। बहुत से लोगों को आदत होती है, हम जप कर रहे हैं तो एक ऊंचा आसन उठा लेते हैं, और जप करते करते आंख लग जाती है तो ऊंचे आसन पर से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो आसन न अति उच्च हो न अति नीच हो, और आसन ऐसा हो कि वहां बैठने के बाद चींटियां मक्खियां ये सारे हमको पीड़ा न पहुंचाएं, ऐसा एक स्वच्छ ऐसा आसन। वहां का वातावरण पवित्र होना चाहिए, धूप हो, दीप हो, इष्ट देवता का चित्र हो, गुरु का चित्र हो, ऐसा एक वातावरण होना चाहिए। और वहां बैठ के क्या करें, उस आसन के ऊपर बैठ के क्या करें, मोबाइल फोन लेके कितना व्हाट्सएप आए, कितने मैसेज आए देखें? नहीं, सबसे पहली बात वो मोबाइल फोन इतनी दूर होना चाहिए कि उसकी घंटी ना सुनाई दे। जहां पर हम बैठे हैं जप करने के लिए, उस स्थान से मोबाइल फोन इतनी दूर हो कि उसकी घंटी भी ना सुनाई दे, इतनी दूर मोबाइल फोन रहे। और उसके बाद वहां बैठे, और बैठ के सबसे आसान काम क्या, तो हमारे कंट्रोल में क्या है, तो हमारे कंट्रोल में हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, तो शरीर को हम सीधे रखें, शरीर को सीधे रखें, शरीर के ऊपर कंट्रोल रखें, है ना। शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना, शरीर को वश में रखना, यानी क्या, पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, गर्दन की जो हड्डी है, सिर जो है, वो एक रेशा में सीधा रहे, एक रेशा में सीधा रहे। पद्मासन, सुखासन या जो भी आसन आपको बैठने में सुविधा हो, जिन लोगों को पैर में घुटने में तकलीफ हो वो कुर्सी पे बैठे मगर सीधे बैठे, ऐसे लेटे हुए हाँ तकिए को टेके हुए यो दीवार को सिर लगा के, ये आसन नहीं, आसन जो है वो सीधा होना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को देखें हम, थोड़ी देर देखिए, ये काम जल्दी में होने वाला नहीं है, एक विधि है, एक विधान है, उसके लिए एक रसोई भी हम बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए बासुंदी बना रहे, 5 मिनट में बनती क्या बासुंदी, हाँ 5 मिनट में नहीं बनती, उसके लिए समय लगता है, वो दूध जो है पूरा उबल के उसके अंदर का जो पानी का अंश है वो निकल जाना पड़ता है, दूध जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, तो उसमें समय लगता है। एक मामूली बासुंदी चाय बनाने में कितना समय लगता है, देखिए जितना टाइम हमारी पत्नी चाय बनाने में लेती है उससे पहले हमारा जप समाप्त हो जाता है, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर ये चाह टाक झालं माझं आटपलं जप संपलं आलो मी, वो पत्नी चाय बना के लाने तक ये जप करके आ जाता है, जप समाप्त करता है। इसके लिए पहली चीज समय देना पड़ेगा। तो वहां हम बैठे, बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या, कुछ देर के लिए 2-4 मिनट के लिए हम अपने शरीर का अवलोकन करें, शरीर का अवलोकन करें और देखें कि ये जो शरीर है ये जड़ है, ये शरीर जड़ है, कोई एक शक्ति है जो इसको चेतन बना रही है, कोई एक शक्ति है जो इसको चेतन बना रही है। और उसके बाद वहां बैठने के बाद शास्त्र में विधान आता है कि वहां बैठ के भस्म धारण करना चाहिए, आसन पर बैठकर क्या करना चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भस्म धारण, महाराष्ट्र में भस्म लावून फार सुंदर दिसता हो, काळे आहेत नाही असं पांढरे भस्माचे पट्टे छान दिसते, तुम्हाला छान दिसते म्हणून लावायचं का, हा किस लिए भस्म, क्यों भस्म, क्यों भस्म, इसलिए क्योंकि ये जो शरीर है इस शरीर पर इतना मोह मैं करता हूं, इतनी माया इस शरीर से है, वो एक दिन भस्म होने वाला है, इसको याद करना। पहले सबसे पहले क्या याद करना, क्या याद करना, ये शरीर भस्म होने वाला है, भस्म होने वाला है, इसलिए जो भस्म होने वाला है उसको याद दिलाना है, भस्म लगाकर, भस्म लगाकर उसको याद दिलाना कि अब तू कभी ना कभी भस्म हो जाएगा। तो जिस वस्तु की
निरर्थकता का ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर हमारा मोह रहता है क्या? तो सबसे पहले देह भाव को छोड़ना, देह भाव को छोड़, ये शरीर भस्म होने वाला है, इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शरीर भस्म हो जाए तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? नहीं, कोई एक और ऐसी चीज है जो इस शरीर को चेतन बनाती है। तो हमारा ध्यान कहां चला जाता है उस समय? उस चेतन की ओर चला जाता है। तो भस्म धारण किया, आप आसन के ऊपर स्थिर बैठे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट है श्वास, सांसों का अवलोकन करना। अवलोकन करना है ना, क्या देखना? देखना सांसों को, देखना है ना, सांस चल रही उसको देखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, सांस चल रही उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा है कि जिसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, नियम है, जिसकी तरफ हम ध्यान देते हैं उसकी क्रिया अपने आप मंद हो जाती है, वो सुधर जाता है, संभल जाता है, वो सुधर जाता है, संभल जाता है। मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूं और ये कैमरा वाला ने कैमरा मेरी तरफ किया, मैं कैसे बैठूंगा? हाँ, मान लीजिए उसने कैमरा उठा के अगर आया भी तो भी मैं, मान लीजिए मैं कुछ खा रहा हूं, हा? खा रहा हूं तो एकदम से कैमरा वाला आ गया सामने तो क्या करते हैं? हाँ, वीडियो वाला आ गया तो मचर मचर खाते रहते हैं क्या? जो भी मुंह में है उसको गपचुप दबा के सभ्य बनने का प्रयास करते, सभ्य बनने का प्रयास। महिलाएं हैं, हाँ, आराम से बैठी हैं, हाँ, और उधर कैमरा अगर उधर घूम गया तो ऐसे 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 करके सभ्य बन जाते हैं। तो उसी तरह से सांसों की ओर देखना, देखना देखने से शरीर की ओर देखना, शरीर देख, शरीर की ओर देखने से शरीर स्थिर हो जाता है। उसके बाद क्या? श्वासों की ओर देखना, श्वासों की ओर देखना, उसको हमारे शास्त्र में कहा गया है प्राणायाम। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम, सांसों की गति, उसको देखते रहना, बस उसको देखते रहना। तो सांसें अपने आप स्लो हो जाती है, सांसें क्या होती है? स्लो। अच्छा, सांसें स्लो होने का क्या लाभ? सांसें स्लो हो जाने का लाभ क्या, किसी को मालूम? मैं बता दूं, सांसें स्लो होने से उम्र बढ़ती। कैसे? तो हमारी जो आयु है, हमारी जो उम्र है, उसको लोग सालों में गिनते हैं, हाँ, 80 साल, 70 साल, 75 साल, 90 साल, 100 साल, सांसों में गिनते, सालों में गिनते हैं। वो वास्तव में हमारी जो उम्र है वो सांसों की गिनती के ऊपर टिकी हुई है, सांसों की गिनती। ये देह इतनी सांसें लेगा, एक दिन में हम 21,600 सांसें लेते हैं, कितनी? 21,600 एक दिन में, 21,600 सर्वसाधारण मनुष्य। तो 21,600 इंटू 365 कितनी हो गई? अब वो बाद में हिसाब करना, मेरे को भी गणित नहीं आता। 21,600 इंटू 365 यानी एक साल हुआ, हैं, इंटू 70 इंटू 80। हमारी जो उम्र है वो सांसों की संख्या के ऊपर निर्भर है। तो जितनी जल्दी हम सांसों को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमारी, तो सांसों को धीरे धीरे लेना, उससे क्या होगा? एक दिन में 21,600 की बगैर मान लीजिए आपने 18,000 सांसें ली तो सेविंग कितना हुआ? 3,000 सांसों का सेविंग हुआ, 3,000 सांसों यानी उतने घंटे आपकी उम्र बढ़ गई, उतने घंटे उम्र बढ़ गई। तो जप करने से, प्राणायाम करके जप करने से, प्राणों की गति को घटाने से, प्राणों की गति को नियमित करने से आयुवर्धन होता है। ये दूसरा लाभ है, ये दूसरा लाभ है, आयुवर्धन होता है उससे। देखिए छोटे बच्चे वो ये खाते हैं क्या? आइसक्रीम, हाँ, कैसे खाते हैं? हाँ, गड़गड़ गड़गड़ कट 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 खाते हैं क्या? नहीं, उसको धीरे धीरे खाते हैं। क्यों? क्यों ज्यादा देर चले वो आइसक्रोट आइसक्रीम जो भी कहते हैं उसको, वो ज्यादा देर चले इसलिए उसको धीरे धीरे चूस के खाते हैं,
है, और कट 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 दांतों से टुकड़े करके खा लिए तो खत्म, 5 सेकंड के अंदर खत्म। तो हमारी आयु का क्षपण जो है वो हम कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेके खत्म कर देते। जब भी कोई उत्तेजना होती है सांस तेज चलती है, जब भी क्रोध आता है सांस तेज चलती है, जब काम आता है सांस तेज चलती है, हाँ लोभ आता है सांस तेज चलती है, ईर्ष्या होती है सांस तेज चलती है, हाँ? तो ये जितने विकार हैं उन सभी विकारों में सांसों की गति तेज हो जाती है। आपको आपकी पत्नी के ऊपर गुस्सा, या पत्नी को पति के ऊपर गुस्सा आया, क्या हो जाएगा, हाँ? सांस तेज हो जाती है, हाँ? किसी वस्तु के ऊपर लोभ आ गया तो सांस तेज, उससे पहले जाके मैं प्राप्त करूं। अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, कल या परसों तेलंगाना में हैदराबाद में एक दुकान ने एडवर्टाइज किया, क्या कि 10 रुपए में एक साड़ी। आपने पढ़ा क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम, हाँ 10 रुपए में एक साड़ी। तो हजारों महिलाएं वहां पहुंची और उनमें से कुछ मर गई, क्यों, उनके ऊपर वो, उनके ऊपर वो, उनके ऊपर वो, स्टैंपेड हुआ, न्यूज में है, 2-3 दिन पहले की न्यूज में है, 10 रुपए में एक साड़ी। तो 10 रुपए में एक साड़ी खरीदने के लिए महिलाएं हजारों की संख्या में पहुंची, दरवाजा छोटा गली छोटी, और वहां पर जो है तेरे ऊपर मेरा पांव करते हुए घुस गई, 2-4 महिलाएं बेचारी मर गई उसमें, क्यों, स्टैंपेड एक के ऊपर कुचल के मर, है ना। भंडार खाने में आप देखिए प्रसाद के लिए कैसे झुंबड़ मचती है, हा? क्या प्रसाद नहीं मिलेगा क्या, लोग लोग मुझे पहले मिले, पता नहीं लड्डू खत्म हो गए, पता नहीं भाजी खत्म हो जाए, पता नहीं क्या खत्म हो जाए, तो एक के ऊपर एक, देखा आप जयंती में देखिए लाइन लगाते हैं उसके ऊपर चढ़ के जाते हैं लोग, क्यों, अच्छा उस समय सांस कैसी होती, सांस कैसी होती, तेज होती है, तो आयु का क्षपण हो रहा है। काम में, काम में सांस तेजी होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या सब में सांसें तेज हो जाती हैं, और उससे आयु। जप के समय प्राणायाम का विधान है, प्राणायाम करने से श्वासें जो है वो नियमित रूप से एक सिस्टमेटिक तरीके से सांसें चलती हैं, तो सांसों को देखने से सांस जो है वो मंद होती है। तो उसके बाद आता है प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद क्या करें, प्राणायाम करने के बाद हमारे यहां विधान ऐसा है कि हम संकल्प करें। संकल्प का विधान है, संकल्प यानी क्या, संकल्प यानी निश्चय, संकल्प यानी निश्चय, निश्चय कि मैं अमुक मंत्र का यहां इतनी संख्या में जप करूंगा, ये निश्चय। वो निश्चय क्यों, निश्चय किस लिए, निश्चय इसलिए क्योंकि तू बीच में ही ना भाग जाए। सहस्र संख्याकम जपम अहम करिष्ये, 1000 संख्या तक मैं जप करूंगा, 500 के अंदर बोर होकर उठ गया तो फल नहीं मिलेगा। तो तेरे को बांधने के लिए संकल्प, किसको बांधना, अपने मन को बांधने के लिए कि मैंने संकल्प किया है कि सहस्र संख्याकम जपम अहम करिष्ये, सहस्र संख्या तक मैं ये जप करूंगा। तो ऐसा संकल्प, और संकल्प में दो चीजें, संकल्प में दो चीजें, संकल्प में दो चीजें क्या है, एक तो कामना, कामना किस कामना से हम जप कर रहे हैं। तो कामना का ऐसा है कि जप जो है वो कामना सहित भी हो सकता है, कामना रहित भी हो सकता है, कामना सहित भी हो सकता है, कामना रहित भी हो सकता है। कामना सहित में क्या है कि उस जप से वो कामना उतनी ही पूर्ण होगी। देखिए आपने कामना की, हाँ आपने एक कामना की, क्या कामना की, धन प्राप्ति अर्थम जपम अहम करिष्ये, अमुक जपम अहम करिष्ये, हाँ धन प्राप्ति, धन प्राप्त हो गया, जप का फल तो मिलेगा, क्योंकि ऐसा है कि जप का फल जो है वो अवश्य मिलता है, अवश्य। अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा क्या, नहीं अवश्य जलेगा, उसी तरह से जप का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। तो जप का फल मिला तो आपने संकल्प क्या किया, धन प्राप्ति अर्थम अमुक मंत्र से जपम अहम करिष्ये, अमुक मंत्र का जप किया, धन प्राप्त हो गया, हाँ? वो धन के पीछे जो आधी व्याधि लगी हुई है
उनका निराकरण हुआ क्या? इनकम टैक्स वाला छूटा क्या? हाँ, बैंक वाला छूटा क्या? हाँ, पत्नी की शॉपिंग रुकी क्या? आपने धन प्राप्ति के लिए जप किया, धन प्राप्त हो गया, दोपहर को पत्नी मॉल में गई और सारा धन खर्च करके आ गई, क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ, है ना? तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि कामना सहित जप करना बुरा नहीं है, कोई कामना हो तो करें, मां अच्छा क्या है? परमेश्वर प्रीत्यर्थम, माणिक्य प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम, परमेश्वर की कृपा के लिए मैं ये जप कर रहा हूं। अब देखिए परमेश्वर की कृपा में क्या क्या आ जाता है, परमेश्वर की कृपा के अंदर क्या क्या आता है? सब आता है, धन धान्य पुत्र स्त्री वैभव यश कीर्ति शांति समाधान मोक्ष, मोक्ष भी आया उसमें, हाँ, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, है ना? तो इसलिए संकल्प जो है वो निष्काम होके माणिक्य प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम अमुक मंत्र से जपम अहम करिष्ये, परमात्मा की कृपा होने के लिए मैं ये जप कर रहा हूं। तो परमात्मा की कृपा अगर हो गई, कृपा अगर हो गई तो उसमें धन आया क्या? नहीं, धन भी आया, स्वास्थ्य भी आया, वैभव आया, यश आया, श्री आई, कीर्ति आई, पुत्र आया, हाँ, सारी विद्या बुद्धि सब कुछ आ गया और अंत में मोक्ष भी आया। तो निष्काम भाव से जप होना चाहिए, ये संकल्प है। संकल्प के बाद दूसरी सीढ़ी है एक, उसको कहते हैं न्यास। न्यास, अब देखिए ये जो सारा शरीर है, ये सारा शरीर है, ये जो जड़ शरीर है वो अपने आप काम करता है क्या? अपने आप काम नहीं करता, अपने आप काम नहीं करता। चेतन शक्ति, परमात्मा की चेतन शक्ति उसको चेतन बनाती है। तो इसलिए शरीर के विविध अवयवों में, शरीर के विविध अवयवों में हम उस चेतन शक्ति के विविध आविष्कारों की कल्पना करते हैं, क्योंकि ये सारा मानस व्यापार है, ये सारा मानस व्यापार है। तो शरीर के जितने अवयव हैं, हमारे शरीर के हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, ये सारे, इनके अंदर हम उस परमात्मा के जो विविध रूप हैं उन रूपों का हम साक्षात्कार करते हैं। अग्निर्मे वा चिश्रिता वा हृदये हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि अग्निर्मे वा चिश्रिता। अग्निदेवता जो है वो कहाँ वास करता है? वाची, वाची मेरी वाणी में अग्निदेवता का वास है, अग्निदेवता का वास है। वायुर्मे प्राणे श्रिता, वायुदेवता वो कहाँ है? वो मेरे प्राणों में बस रहा है ना? तो कहा गया है शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव की उपासना अगर करनी है तो पहले तुम स्वयं शिवरूप बन जाओ, पहले तुम स्वयं शिवरूप बन जाओ, शिवरूप बन जाओ, और उसके बाद क्या आसान हो जाएगा? शिवरूप बनने के बाद शिव की उपासना करना आसान हो जाएगा। प्रभु महाराज का अत्यंत प्रसिद्ध पद है, राम होउनी राम गारे, राम होउनी राम गारे। पहले तुम राम बनो, पहले राम बनो और उसके बाद राम का भजन करो। तो राम कैसे बने हमको क्या मालूम? हमको सिर्फ हमारा देह मालूम है। तो इस देह को चेतन बनाने वाला राम है, वो अग्नि के रूप में मेरी वाणी से काम करवाता है, सूर्यों में चक्षुषे श्रिता सूर्य बनकर मेरी आंखों को दृष्टि प्रदान करता है, वायुर्में प्राणे श्रिता मेरे प्राणों को वायु बनकर चलाता है, चंद्रमा में मनसि श्रिता, चंद्रमा में मनसि श्रिता, चंद्रमा बनकर वो मेरा मन को जो है शक्ति देता है। तो सारे शरीर के जितने अवयव हैं विविध मंत्रों के विविध न्यास हैं, तो अलग अलग प्रकार से ये न्यास है। तो उन न्यासों में जो है हमारे शरीर के विविध अंगों में हम उस देवता की स्थापना करते हैं। पहली चीज यहाँ जो है, अब ये यहाँ पूरा राम बन गया या यहाँ पूरा शिव बन गया, शिवो भूतवा शिवम यजेत। उसके बाद क्या? ये बाहर की सृष्टि है, यहाँ तो राम है, यहाँ क्या है? प्राच्य दिशे इंद्राय नमः,
तो जितनी दिशाएं हैं उन दिशाओं में भी हम परमात्मा की कल्पना करते हैं। सोचिए आप, ऐं प्राच्ये नमः, ऐं अग्नये नमः, ह्रीं दक्षिणाये नमः, तो मंत्रों के जो अक्षर हैं उन अक्षरों से हम दिग्न्यास, उसको कहते दिग्न्यास यानी दिशाओं में देवताओं की स्थापना करना। हालांकि हैं वो देवता, प्राची में इंद्र है, दक्षिण में यम है, प्रतीची में वरुण है, वो है, वह है, इसका स्मरण है क्या हमको? नहीं है। तो उसकी याद अपने आप को दिलाने के लिए यहाँ इंद्र के रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, यहाँ दक्षिण में यम के रूप में परमात्मा बैठा है, यहाँ पश्चिम में वरुण के रूप में बैठा है, यहाँ उत्तर में कुबेर के रूप में बैठा है, ईशान में ईश्वर के रूप में बैठा है, ऊर्ध्वाय ऋषे ब्रह्मणे नमः, ऊपर ब्रह्म के रूप में है, अधराय ऋषे अनंताय नमः, नीचे अनंत के रूप में परमात्मा है। तो मैं चारों ओर से किससे घिरा हुआ हूँ? मैं चारों ओर से परमात्मा से घिरा हुआ हूँ। और मैं स्वयं क्या हूँ? मैं भी परमात्मा हूँ। तो ये वृत्ति प्रवाह जिसको कहते हैं, सजातीय वृत्ति प्रवाह बनाने के लिए ये सारे न्यास वगैरह ये सहायक। लोगों को क्या लगता है ये ऐसे ही नाटक कर रहा है? नाटक नाटक नहीं है, उस भावना के साथ अगर किया जाए। देखिए भावना शब्द बड़ा महत्व का है, भावना शब्द बड़ा महत्व का है, भावना शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भाव शब्द का अर्थ लगाते हैं। आयुर्वेद में एक भावना होती क्या डॉक्टर साहब? आयुर्वेद में एक भावना कहते हैं भावना। अब आपने आंवला खाया, आंवला नली कही तिंदिरी कैसा होता हो? अत्यंत खट्टा होता आंवला, आंवला अत्यंत खट्टा होता है। अब उस आंवले को शक्कर की चाशनी के अंदर अगर 2 महीने भिगो के रख दिया जाए, 2 महीने तक वो आंवले को आपने शक्कर की चाशनी के अंदर डुबो के रख दिया, हाँ, उसके बाद क्या हो जाता है? वो आंवला मीठा बन जाता है, वो आंवला मीठा बन जाता है, उसको भावना कहते हैं आयुर्वेद में, उसको भावना कहते हैं, भावना देना। आंवले को शक्कर की भावना देने से आंवले का मुरब्बा बनता है। कैरी, कच्चे आम की कैरी खट्टी होती है क्या मीठी होती है? उसको शक्कर के पाक के अंदर डाल के बोतल बंद करके रखने से उसका क्या बनता है? मुरब्बा, गुड़म्बा उसको कहते हैं, गुड़म्बा। खाया क्या नहीं गुड़म्बा? वो मीठा कैसे हो जाता है? वो मीठा कैसे होता, कैसे होता? 2 महीने तक उसको शक्कर के अंदर डुबो के रखा, चारों ओर से शक्कर है, उसके चारों ओर शक्कर है, नीचे ऊपर दाएं बाएं अंदर बाहर सब तरफ शक्कर है। तो क्या हो गया? वो खट्टा जो आम है वो मीठा, खट्टा जो आमला है वो मीठा हो गया। ये जो देह है, जो अपने आप को देही मान रहा है, जो अपने आप को कष्टी मान रहा है, अपने आप को दुखी मान रहा है, अपने आप को जीव मान रहा है, वो चारों ओर से जब परमात्मा से घिरा हो जाएगा, है प्राचीन ऋषे इंद्र नमः, आग्नेय ऋषे अग्नेय नमः, दक्षिणा ऋषे यमन, ये सारे क्या परमात्मा के रूप हैं? है अग्निर्मेव चिष्टितः वाग् हृदय हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि, सूर्यो में चक्षुषितः चक्षुहृदय हृदयमयी अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। तो आँखें नाक कान वगैरह सब परमात्मा से भर गई तो ये क्या बन जाएगा फिर? ये परमात्मा बन जाएगा। मुरब्बा इसका कौन सा बनेगा? परमात्मा का मुरब्बा बनेगा। तो ये भावना का उपासना जो है मानस व्यापार, भावना करनी पड़ती हमको। भाव, भाव यानी क्या? भाव मालूम है आप? भाव यानी क्या? भाव मंजे क्या? हमको एक भाव मालूम है, कौन सा? सोने का भाव, चांदी का भाव, हाँ, साड़ी का भाव, ये भाव। एक आदमी था गर्मी के दिन, मई का महीना, धूप बहुत, उसको एक छतरी खरीदनी थी। तो वो छतरी लेने के लिए बाजार जा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, तुमको भाव करना नहीं आता। पत्नी बड़ी व्यवहार कुशल थी, जैसा अक्सर होता, पति को कुछ समझ में नहीं आता, पत्नी जो है वो व्यवहार कुशल होती। तो पत्नी ने कहा, निम्ग ऐनू तिड़ेल दो, भाव माडला मारो दो, मण मार डालो, छतरी तरला खोकता लेते नहीं, निम्ग ऐन तिड़ी तर। तो क्या करूँ? पति ने पूछा, क्या करूँ? तो पत्नी ने कहा, ऐसा करो, दुकान में जाओगे, वो जो भाव बोलेगा उसका आधा बोलना, उसका आधा बोलना।
ठीक है, अब इसने गुरु मंत्र ले लिया, पत्नी से गया, एक दुकान में गया, छतरी की दुकान में गया, ये छतरी कितने में? दुकानदार ने कहा 100 रुपये। भाव कितना? 100 रुपये। इसने कहा 50 रुपये में देगा तो लूँगा। क्यों क्यों बोला? पत्नी ने उसको सिखाया था भाव, तो बोला 50 रुपये में देगा तो लूँगा। सुबह का टाइम 9:30 बजे, दुकान अभी अभी खोली, पहला ग्राहक आया। अब वो दुकानदार बेचारा धार्मिक, उसने सोचा पहला ग्राहक आया है, उसको हमारे यहाँ बोहणी कहते, बोहणी 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 यानी पहले ग्राहक को कभी वापस नहीं करती। तो उसने कहा कि महाराज ने बंदी रही फर्स्ट ग्राहक ने रही बोहणी टाइम अदा, ठीक है 80 रुपये तक वही दी, 80 रुपये में ले जाओ। ये क्या बोला, क्या बोला? भाव 40 में देगा तो लूँगा, 40 में देगा तो लूँगा। अब इसको छोड़ना नहीं था, बोला ऐसा मत करो, मैं जितने में लाया हूँ उतना भी नहीं मिलता, ऐसा मत करो, 60 रुपये में लेके, 60 रुपये उससे कम नहीं होगा, 60 रुपये लास्ट लेके। इसने कहा 30 में देगा तो लूँगा, भाव भाव 30 में देगा। उसे आखिर जान दो, कुछ भी ना करो, 50 में लेके जाओ, बस खत्म, लास्ट 50 में लेके जाओ। 25 में देगा तो लूंगा, 25 में देगा। अब वो दुकानदार बेचारा झल्ला गया, ये क्या आदमी आया, ये कौन सा ग्राहक आया, ये कहां से आया? बोला अच्छा चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 30 में लेके जाओ, बस खत्म, अब बस 30 में लेके जाओ, 30 में लेके जाओ। ये क्या बोला, 15 में देगा तो लूंगा, 15 में देगा। आखिरकार दुकानदार इतना झल्लाया, बोला वो मेरे को नुकसान हुआ परवाने, 10 रुपये में लेके जाओ छतरी, 10 रुपये में लेके जाओ। ये बोला 5 में देगा तो लूंगा, भाव 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 5 में देगा तो लूंगा। तो इतना गुस्सा आ गया दुकानदार को, इतना गुस्सा आया, वो बोला फ्री में लेके जा, बोला जा, बोला फ्री में लेके जा, 2 देगा तो लूंगा, बोला अब फ्री में है ना, भाव भाव तो 2 देगा तो लूंगा। तो हमारा भाव ऐसा है, हमारा भाव कैसा है, ये भाव है। वहां भाव कैसा करना है, मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अवयवों में परमात्मा है, मेरी नसों में, ये जो लोम है ना लोम, ये क्या है, औषधि वनस्पति है, ये सब वनस्पति है, औषधि वनस्पति है ये सब। तो परमात्मा रोम रोम के अंदर बसा हुआ है, ये भावना, और न सिर्फ शरीर के अंदर बसा हुआ है बल्कि बाहर भी बसा हुआ है, ये दिशाएं जितनी हैं वो सब परमात्मा से भरी हुई है। ये भाव करने के बाद जो है, उसके बाद आता है ध्यान, अथ ध्यानम, उसके बाद आता है ध्यान। ये विधि है, प्रोसीजर है, साइंस है इसके पीछे, उसके बाद आता है ध्यान। तो जो भी अपना इष्ट देवता का ध्यान होगा, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जो भी ध्यान है, वो ध्यान हम करें, और ध्यान करते समय उस ध्यान में जो वर्णन है, उस ध्यान में जो वर्णन है उसको मन से कल्पना करें, भुजग शयनम। परमात्मा किसके ऊपर लेटे हुए हैं, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, शांताकारम अत्यंत शांत स्वरूप से लेटे हुए हैं, भुजग शयनम पद्मनाभम, और नाभि में से कमल निकला हुआ है, ऐसे रूप की कल्पना कर, मुंह से शांताकारम भुजग बगा, भुजग शयनम पद्मनाभम सूर्य, फोन कोणा चाल बगा, समचरण सरोजम सांद्र नीलाभुदाभम जघन निहित पाणिम मंडनम मंडनानाम तरुण तुलसी माला कंधरम कन्यनेत्रम सदय धवलहासम विठलम चिंतयामि। समचरण सरोजम, दोनों पैर ऐसे मिला के कमल जैसे पैर, सांद्र नीलाभुदाभम, नीला वर्ण जिनका है अत्यंत सुंदर ऐसा, जगन निहित पाणिम, और हाथ कहाँ है, जांघों के ऊपर, कमर के ऊपर है, मंडनम मंडनाना,
सुंदरता को जो सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं, तरुण तुलसी माला कंधरम कंजनेत्रम, और गले में क्या है, तरुण तुलसी माला, मुरझाए हुए नहीं, ताजे ताजे तुलसी के पुष्प हैं। तो ध्यान में जब हम परमात्मा का, उस विट्ठल का, पांडुरंग का ध्यान करते हैं, तो उस तुलसी की सुगंध आनी चाहिए। वो जो तुलसी माला है उसकी सुगंध तक, उसकी भी भावना होनी चाहिए कि भगवान ने जो है अपने कंठ में तरुण तुलसी माला धारण की है, तो तुलसी की सुगंध भी जो है वो हमको आनी चाहिए। उसको ध्यान कहते हैं, उसके बारे में ध्यान, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी क्या, ध्यान यानी एक फोटोग्राफर है ना, फोटोग्राफर वो क्या करता है, फोकस करता है, फोकस, और उसने फोकस कर दिया और टिका दिया। अब ये कैमरा टिका हुआ है फोकस करके, हैं? तो फोकस जब आउट ऑफ फोकस होता है तो चित्र धुंधला होता है, धुंधला होता है। फोकस करने के बाद क्या होता है, चित्र जो है वो साफ साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षम, सद्गुरु का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, तो सूर्यकोटि समप्रभा, हजारों सूर्यों की रोशनी, हजारों सूर्यों का प्रकाश, उसके जितना प्रकाशमान हमारा गणपति, तो वो सारा प्रकाश जो है उसकी हमको कल्पना करनी पड़ेगी। कोटि सूर्य, देखिए एक मिनट आंख बंद कीजिए, एक सूर्य की कल्पना कीजिए, एक सेकंड आंख बंद कीजिए, एक सूर्य की मन में कल्पना कीजिए। आता है सूर्य मन में, आता है सूर्य, आता है क्या नहीं मन में, सूर्य मन में आता है, एक सूर्य मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़, आप कल्पना कीजिए, कोटि सूर्य समप्रभा। तो इस तरह से वो शब्द हैं ध्यान मंत्र के अंदर, उन शब्दों के अर्थ पर विचार करते हुए उस रूप के ऊपर फोकस करना, इसका नाम ध्यान है, उसका नाम ध्यान है। और ध्यान होने के बाद क्या है, उस परमात्मा जो विराट रूप है, कोटि सूर्य समप्रभा है, हा? ऐसे उस परमात्मा की पूजा है, पंचोपचार पूजा। अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, वह जप में पंचोपचार पूजा मुख्य है। पंचोपचार यानी क्या, लम पृथिव्यात्मने गंधम परिकल्पयामी, लम ये पृथ्वी का बीज है और पृथ्वी गंधवती है, तो परमात्मा कैसा है, ये सारी पृथ्वी में समाया हुआ है, उसको मैं क्या समर्पित कर रहा हूं, पृथ्वी तत्व से उत्पन्न गंध में उसको समर्पित कर रहा हूं। परमात्मा के स्वरूप का ध्यान हुआ, उस कैसा है, लम पृथिव्यात्मने, पृथिव्यात्मने पृथ्वी के स्वरूप का जो परमात्मा है उसको मैं गंधम परिकल्पयामी, गंध हाथ से गंध लेके चढ़ाना नहीं, परिकल्पयामी मैं गंध की कल्पना कर, हम आकाश आत्मने पुष्पम परिकल्पयामी। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आकाश जैसा व्यापक है, आकाश जैसा व्यापक है, तो उस आकाश रूपी परमात्मा उसको पुष्पाणि परिकल्पयामी, यम वायव्यात्मने धूपम परिकल्पयामी। परमात्मा कैसा है, वायु रूप है, वायु कहाँ है, हमारे अंदर बाहर चारों तरफ वायु है, तो परमात्मा भी हमारे अंदर बाहर चारों तरफ है, उसको क्या समर्पित कर रहा हूं, धूप समर्पित कर रहा हूं, ये कल्पना है धूप की। रम वन्यात्मने दीपम परिकल्पयामी, अग्नि का स्वरूप, वन्य यानी अग्नि, वन्यात्मने अग्नि की जो आत्मा है, अग्नि के अंदर जो अग्नित्व है, अग्नि तत्व है, देखिए सोचने, पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी तत्व है, वायु के अंदर जो वायु तत्व है, आकाश के अंदर जो आकाश तत्व है, अग्नि के अंदर जो अग्नि तत्व है, वो परमात्मा का स्वरूप, अग्नि का अग्निपन, फायरनेस ऑफ द फायर, फायरनेस ऑफ द फायर, वो परमात्मा का रूप है, उसको मैं दीपम परिकल्पयामी। वम अमृतात्मने नैवेद्यम परिकल्पयामी, सारा जल जितना जल है वो क्या है, वो अमृत स्वरूप है, अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामी। सम सर्वात्मने सर्वोपचारान परिकल्पयामी, इस तरह से मानस पूजा, मानस पूजा किसकी, उस रूप की जिसकी हमने ध्यान में कल्पना की, और उसके बाद आता है जप, उसके बाद आता है जप।
और जप की व्याख्या शास्त्र में की गई है कि जिह्वौष्ठादि व्यापार रहितम शब्दार्थयोः चिंतनम ही यदुच्चारः तद् जपम्। जिह्वा ओष्ठ, जिह्वा यानी जीभ, ओष्ठ यानी होंठ, हाँ, इनके व्यापार से रहित, जिह्वा ओष्ठ इनके व्यापार से रहित शब्दार्थयोः चिंतनम, शब्द और अर्थ का चिंतन, शब्द और अर्थ का चिंतन और उसका उच्चार, तद जपम, उसको जप कहते हैं। ये जप तीन प्रकार का होता है। एक को कहते हैं वाचिक जप, वाचिक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या हुआ, ये वाचिक जप हुआ। उसके बाद उपांशु, उपांशु यानी क्या, उपांशु यानी होंठ बंद, वहां अंदर जिह्वा चलती है, होंठ बंद है, जिह्वा अंदर चल रही है। और मानस यानी क्या, होंठ भी न चले, जिह्वा भी न चले और जप होता रहे अंदर ही अंदर, उसको मानस जप कहते हैं। ये तीनों जप क्रमशः एक से एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सबसे निकृष्ट कोटि का कौन सा, वाचिक, दूसरा कौन सा, उपांशु, तीसरा कौन सा, मानस। मानस जप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, मानस जप सर्वश्रेष्ठ है। और मानस जप में शब्द और अर्थ, वो शब्द जो है मंत्र का वो और उसका अर्थ, दोनों की ओर ध्यान देना है, दोनों की ओर ध्यान देना है। और देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमें जप कराया, बस हमसे लक्ष्य दूसरी कड़े जाते, हम जप करने के लिए बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं, फोन बजने लग जाता है, तो जैसा फोन है बंद करा प्लीज, तो कहने का तात्पर्य क्या कि जप करने बैठते हैं ध्यान ही नहीं लगता हमारा, जप होता ही नहीं है, मन नहीं भटक, मन भटकता है। उसमें दो तीन चीजें हैं, एक मन कहां लगता है, जहां प्रेम हो वहां मन लगता है, जहां प्रेम हो वहां मन लगता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल चल रहा, पत्नी आती है खाना खाओ, माँ आती है खाना खाओ, ऐसे बैठते हैं लोग, बैठते हैं कि नहीं, हाँ, 99, तीन बॉल छह रन, दो बॉल आठ रन, एक बॉल छह रन, ऐसे आंख फाड़ के बैठते हैं, मन लगता है कि नहीं। उसको समाधि कहा है शास्त्र में, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि यानी कोई दूसरी चीज है क्या? क्रिकेट मैच देखते समय दो बॉल आठ रन इस अवस्था में टीवी के ऊपर जो ध्यान लगा है उसी का नाम समाधि है। वहां क्यों, वहां प्रेम है। पत्ते खेलने वालों को देखा, देखा है क्या, देखने की क्या आवश्यकता है महाराज, मैं खुद खेलता हूं, बोलो। पत्ते खेलने वाले को देखा, हाँ, अत्यंत समाधि में होता हो, अत्यंत समाधि की अवस्था, निर्विकल्प समाधि, उसको किसी की चिंता नहीं होती, माँ की नहीं, बाप की नहीं, बीवी की नहीं, पुत्र की नहीं, पौत्र की नहीं, पैसे की नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाता हो, हाँ, ध्यान लगता है कि नहीं, ध्यान लगता है। सिनेमा देखते समय तीन घंटे तक आपको किसी की याद आती, ऑफिस की याद आती, ऑफिस में एक अकाउंट स्टेटमेंट भेजना है, कल ईमेल भेजना है, व्यापार करना है, एक लारी जवारी जो है गुलबर्गा भेजनी, ये याद आता है क्या सिनेमा देखते समय? पत्नी की याद आती क्या? बगल में बैठती है पत्नी, उसकी याद नहीं आती। पुत्र की स्कूल फीस की भरनी है, याद आती है क्या? नहीं आती। वो बगल में बैठा पुत्र, उसकी याद नहीं आती। माँ को खांसी की दवा देनी है, याद आती क्या? नहीं आती। तीन घंटे तक समाधि लगी रहती है, तीन घंटे निर्विकल्प समाधि। और जब जनगण मन शुरू हुआ तो उस समय समाधि समाप्त। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको मन लगाना आता नहीं है, नहीं, सबको मन लगाना आता है, आता है कि नहीं, हमको सबको मन लगाना आता है।
मन कहां लगता है? जहां प्रेम है वहां लगता है। तो सबसे पहली बात, परमात्मा के प्रति मन में अगर प्रेम होगा तो मन लगेगा, प्रेम नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। एक चीज, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज मैं आपको बता चुका हूं, मन लगे चाहे न लगे, मन लगे चाहे न लगे, वो करना है, वो जब करना है। उसका उदाहरण क्या? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में मन लगता है क्या? यहां गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है? कौन है? कौन से डिपार्टमेंट में काम करते? एजुकेशन डिपार्टमेंट। बैठो बैठो। सरकारी नौकरी में जो लोग काम करते वो मन लगा के करते क्या? मन लगा के करते हैं क्या? फिर भी तनख्वाह मिलती क्या? नहीं है। मन लगा के करो चाहे बिना मन के करो, एक तारीख के दिन बैंक में उसी तरह से जप भी मन लगा के करो, बगैर मन के करो, उसका फल प्राप्त होगा, उसका फल। हाँ, यह है कि जो मन लगा के करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो मन लगा के करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष फल, उसको बोनस मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान होता है। ये सारी चीज़ें होती मन लगा के करने वाले को, बस जो बिन लगा मन लगाए करते हैं उनको भी तनख्वाह बराबर मिले। उसी तरह से आप मन लगा के करो चाहे बिन मन लगा के करो, मगर जप करना आवश्यक है। वहाँ बैठ के उतना टाइम जप करना जो है वो आवश्यक है, जप करना। अब जप में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है जप माला। जप जो है वो बगैर माला के नहीं करना चाहिए। जप माला, जप माला, वो माला चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे पुत्रवंती की हो, चाहे कमलाक्ष की हो, चाहे भद्राक्ष की हो, चाहे किसी भी बीज की हो, वो माला अवश्य होनी चाहिए। माला का लाभ क्या? माला का लाभ क्या? तो माला का लाभ ऐसा है कि जप जो है वो गिनती करके ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान है। किसी भी संख्या में जप करना ये ठीक नहीं। नामस्मरण आप कितना 44,444 भी करेंगे तो चलेगा, मत जप जो है वो निश्चित संख्या में होना चाहिए। आप मौसम्बी का जूस आप कितना भी पीजिए, 2 ग्लास पीजिए, 3 ग्लास पीजिए, 4 ग्लास पीजिए, कुछ नहीं। मत सलाइन जो चढ़ाते हैं वो निश्चित 200 ml, 300 ml, इंसुलिन जो देते हैं वो कितना, 12 यूनिट 18 यूनिट, उससे भी 1 यूनिट कम 1 यूनिट ज्यादा होगा तो वहां पर शरीर के ऊपर क्या होगा, क्या होगा डॉक्टर? हाँ, विपरीत परिणाम होगा, विपरीत परिणाम होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहे हैं हम जब, यानी एप्पल जूस आपको पीना 3 ग्लास पीजिए, 3.5 ग्लास पीजिए, 4.25 ग्लास पीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंसुलिन अगर ले रहे हैं, सलाइन अगर चढ़ रही है, गोली अगर ले रहे हैं, 200 mg, क्यों? मैं 600 mg खाऊंगा क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर चाहे बापा से खाए जाते मैं खा तो 600 mg, 200 mg तो 200 mg, 40 mg 40 mg, 60 mg। तो जप में विधान ऐसा है कि वो 78 शत संख्या होनी चाहिए, 108 कम से कम, कम से कम 108 होनी चाहिए, और उसके मल्टीप्लिकेशन में 216 324, इस तरह से वो जप की संख्या जो है 1000 1008। कुल उसका भाव ये है 108 जो है उसका ऐसा है कि वो उसको जोड़ने से पूर्णांक 9 बनता है। 108 1+0+8 कितना हुआ? पूर्णांक बनता है, पूर्णांक। हमारे शास्त्र में जितने भी जो हैं वो पूर्णांक देंगे। महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, 1 और 8 9। भगवद्गीता के कितने अध्याय हैं? 18, 1 और 8 9। तो 9 जो है वो पूर्णता का सूचक है। 9 क्या है? पूर्णता। 9 जो है पूर्णता का सूचक है। तो 108 जो है उसका ऐसा है, 9 ये पूर्णांक को लेके, 9 और 12 राशि 92 108। उसी तरह से 27 नक्षत्र, 27 इंटू 9, 27 इंटू 4, वो 9।
तो 108 की संख्या जो है वो अत्यंत पवित्र मानी गई हमारे शास्त्रों में, तो 108 में ही होना चाहिए जब, 1008 में होना चाहिए, इसलिए संख्या का बड़ा महत्व है। और जप करते हुए संख्या का हिसाब कैसे रखेंगे, तो इसलिए माला, माला जो है वो अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। अब उस माला को पकड़े कैसे, माला को बाद में पकड़ेंगे, पहले माला का महत्व क्या है वो देखेंगे। माला में एक महत्व यह है कि माला में जो धागा है वो दिखाई देता है क्या, किसी के पास है माला, माला है गले में, रुद्राक्ष दे आना, ये रुद्राक्ष की माला है। अब इसमें आपको मणियां दिखाई दे रही, धागा दिखाई देता है क्या, धागा दिखाई नहीं देता, धागा दिखाई नहीं देता। मैं बिना धागे की ये माला है क्या, ये माला इसके अंदर धागा ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, हा? माला है तो इसके अंदर एक धागा है, धागा है। ये जगत है तो इसके अंदर एक परमात्मा है। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वो तो बात हो गई, महत्व की बात क्या, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, मैं इन सबके अंदर पिरोया हुआ हूं, किस तरह से, सूत्रे मणिगणाइव, एक धागे के अंदर जैसे मणियां पिरोई हुई हैं उस तरह से मैं इसके अंदर पिरोया हुआ हूं। तो माला जब हम हाथ में पकड़ते हैं और उसको सरकाते हैं तभी धागा दिखाई देता, मणि को सरकाए बिना धागे का अनुभव नहीं होता, धागे का। तो जब माला को मैं सरकाता हूं तो वहां मुझे धागे का अनुभव होता है, तो धागे का अनुभव है क्या, परमात्मा का अनुभव होता है, तो इसलिए माला आवश्यक है। इस माला को कैसे पकड़े, माला को पकड़ने की विधि क्या, उसकी कोई विधि है क्या, है। देखिए जितना साइंस हॉस्पिटल के अंदर है उतना साइंस उपासना में, इसकी भी विधि है। इसकी विधि क्या है कि जप माला, ये तीन उंगलियां है ना, तीन उंगलियां नीचे की, ये तीन में ऐसे लटका दो इसको, ठीक, इसको अलग करो, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, और अंगूठे से खिसकाते चलो क्लॉकवाइज, अंगूठे से ऐसे इसको खिसकाते चलो, ये जप की विधि। अच्छा इसको क्यों बाहर रखें, इसको क्यों बाहर रखें, ये जो उंगली है ये तर्जनी है, ये तू कहती है, ये तू यानी मैं, अहंकार का प्रदर्शन करती हूं, हा? अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे देख लूंगा, है ना, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए देख लूंगा, है, ये उंगली काम करती, अगर तूने पैसे नहीं दिए देख लूंगा, है, अगर तूने पैसे नहीं दिए देख लूंगा, है, क्या अर्थ हो जाएगा, अलग ही अर्थ होगा, अलग अर्थ हो जाएगा उसका, अगर तूने पैसे नहीं दिए देख लूंगा, अर्थ बनता है क्या, अगर तूने पैसे नहीं दिए देख लूंगा, अगर तूने पैसे नहीं दिए देख लूंगा, है, तो इस उंगली में अहंकार है। तो जप करते समय इसको बाहर रखते हैं, पूरा पूरा का पूरा बाहर, इसको पूरा आउट, ये तीन उंगलियों में माला लटकाना, मध्यमा के ऊपर माला लटकाना, अंगूठ से उसको घुमाना, अंगूठ से उसको घुमाना, तो ये माला का महत्व है। तो माला से जप होना चाहिए। अब मुख्य जो जप है उसको कैसे करते हैं, देखिए कहा गया शब्द और अर्थ इनका भान रहना चाहिए, हमारा ध्यान भटकता है ना, तो ध्यान को न भटकाने के लिए सबसे आसान सबसे सरल तरीका यह है, जिस मंत्र का मन से हम उच्चारण करते हैं उसको कानों से सुनने का प्रयास करें, ध्यान दीजिए, जिस मंत्र का हम मन से उच्चारण करते हैं उसको कानों से सुने, अगर ऐसा करेंगे तो मन में दूसरा विचार नहीं आ सकता, आ सकता है क्या, देखिए प्रयोग कीजिए, एक आधे मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए, कोई भी मंत्र, माणिक माणिक जय गुरु माणिक, मन में बोलिए और कानों से सुनने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए, जो मंत्र आप मन में उच्चारण कर रहे हैं
उसको अपने कानों से सुनने का प्रयास कीजिए। आता है दूसरा कोई विचार? अच्छा, आप कानों से मत सुनिए, मन से माणिक जय गुरुवाणी बोलिए। बहुत आते हैं। तो कानों से सुनने का प्रयास करना। कभी कभी कानों से सुनने का प्रयास करते समय भी दूसरे विचार आते हैं। उस समय क्या करें? उस समय मन में जो ध्वनि है उसकी आवाज को बढ़ाना। मन में जो ध्वनि चल रही है उसकी आवाज को बढ़ाते जाना। जितना हम उसको बढ़ाएंगे उतना वो स्पष्ट सुनाई देगा। वो माणिक जय गुरु माणिक, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, राधे श्याम, राम राम, जो भी है, वो जो है कानों को सुनाई देना चाहिए। मान लीजिए भीड़ है, उस भीड़ में आप वहां दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको बुला रहे, क्या करेंगे आप? वहां उस भीड़ में वहां दिगंबर बैठे वर्षे, उनको बुलाना है। मेरे पास तो खैर माइक है, समझो माइक में मैं दिगंबर बोला तो आएगा क्या? दिगंबर, ठीक है। तो मन में बहुत भीड़ है, बहुत कोलाहल है, बहुत से विचार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब आपस में जो है हल्ला मचा रहे। ऐसे समय में आवाज को अंतरात्मा तक पहुंचाने के लिए, प्रभु परमात्मा तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलना, मन में ही जोर से बोलना, मन में जोर से बोल के उसको कानों से सुनना। और ध्यान कहाँ रहे? कान के ऊपर रहे। जप करते समय ध्यान कहाँ होना चाहिए? कान के ऊपर रहना चाहिए। और वो जो मंत्र है उसका अर्थ, उस अर्थ का सामान्य भान होना चाहिए। सामान्य भान यानी क्या? इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसा मुझको ज्ञान होना चाहिए। अब यह है, अब प्रभु का ही नाम लीजिए आप, माणिक, जय गुरु माणिक प्रभु का नाम है। तो माणिक शब्द का अर्थ क्या? ये पहले से ही विचार करना, इसको श्रवण कहते हैं। पहले से ही माणिक शब्द का अर्थ हमको जान लेना पड़ेगा, और उसके बाद जब जप करें तो वो भाव कौन सा? छतरी वाला नहीं, वो भाव मन में उदित होना चाहिए। माणिक रक्षा स्तोत्र में आता है मंत्र, मरूप सर्वशैवानाम अरूपो वैष्णवास्तथा ब्रह्मज्ञानाम नरूपश्च इरूपो सर्वमायिनाम। माणिक में का जो म है वो किसका प्रतीक है? सर्वशैवानाम, भगवान शिव का रूप है। म अक्षर क्या है? भगवान शिव का रूप है। म जो है वो भगवान शिव का बीज है, शिव बीज है। तो माणिक में का म ये भगवान शिव का स्वरूप है। अरूपो वैष्णवास तथा, अ अक्षर जो है, अ म के बाद क्या है? मा, म म आ मा, तो अ क्या है? वो विष्णु का रूप है। अ जो है वो विष्णु का रूप है। मरूप सर्वशैवानाम अरूपो वैष्णवास तथा ब्रह्मज्ञानाम नरूपश्च, और न अक्षर है, न किसका प्रतीक है? ब्रह्मा जी का प्रतीक है न। इरूपो सर्वमायिनाम, और ई वो भगवती शक्ति का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और प्रजापति नाम सर्वेशाम करूपो गुरुमाणि कहा, क क किसका प्रतीक है? ब्रह्मा का, न जो है ब्रह्म का, ब्रह्म और ब्रह्मा इसमें फर्क है। ब्रह्म यानी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला वो ब्रह्मा देवता, और ब्रह्म यानी सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा ब्रह्म। तो मरूप सर्वशैवानाम, म जो अक्षर है प्रभु के नाम में वो भगवान शिव का स्वरूप है। आकार जो है वो विष्णु का प्रतीक है। न ये स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा, ई उसकी शक्ति माया, और क ब्रह्मदेव। मार्तंड माणिक्य महाराज ने भी कहा कि न स्वरूप ई माया,
न स्वरूप ई माया, म शंभुहाकार विष्णुपहा, क ब्रह्मदेव ऐसा, सर्वात्मक एक पूर्ण माणिक। तो किसी भी भगवान का, किसी भी परमात्मा का, किसी भी रूप का हम नाम लेते हैं तो उस नाम का अर्थ है राम शब्द है। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या? हम राम 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 कर, राम का अर्थ क्या? रमयति इति रामः, जो सबको क्या कहें आप, रममाण कर रहा है, जो सबके अंदर रममाण है, जो सबके अंदर रम रहा है और जिसके अंदर सब रमते हैं उसको राम कहते हैं। शिव शब्द का अर्थ है, शिव यानी क्या? प्रकाशयति इति शिवः, जो सबको प्रकाशित करता है वो शिव है। इस प्रकार उस भगवान का नाम जो है उसके अर्थ का पहले बोध होना चाहिए, पहले बोध होना चाहिए, पहले ज्ञान, इसी को श्रवण कहते हैं। और ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है, ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। और उसके बाद वो अर्थ जो है वो सतत उस अर्थ का भाव जो है वो जप करते समय मन में होना चाहिए। अगर मैं शिव कहूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का अगर जप करूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्रकाशयति इति शिवः, वशति इति शिवः, हाँ, तो सबको प्रकाशित कर रहा है, जो सबको चैतन्य बना रहा है वो शिव है, उसको नमस्कार है। विष्णु यानी क्या? विष्णु यानी जो सबको व्याप रहा है वो विष्णु, जो सबको व्याप रहा है वो विष्णु। और माणिक शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता सच्चिदानंद स्वरूप में शक्ति सहित, उसका ध्यान। श्री गुरु माणिकाय नमः, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। तो ये भाव, ये भाव, वो कबीरदास जी कहते ना, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला कहाँ घूम रही? हाथ में घूम। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और जीव कहाँ घूम रही? मुख में घूम रही। और मन कहाँ घूम रहा है? मनुआ तो दस दिस फिरे, दसों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही। तो एकाग्र चित्त होके फोकस करते हुए, देखिए आपने ये देखा, क्या बोलते हैं उसको, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, सूर्य की रोशनी इस कागज को जला सकती है क्या? सूर्य की रोशनी ही इस कागज को जला सकती है क्या? अगर मैंने इसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसके ऊपर पकड़ा तो कैसे कैसे जलेगी? वो फोकस होती है, फोकस, फोकस होती है। तो जप से हमारी वृत्तियां सारी फोकस हो जाती, सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति प्रवाह, निरोध पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह। तो विजातीय वृत्ति आएगी, मन का धर्म है वो भटकना, वो वृत्ति आएगी विजातीय, उसको निकाल के फेंक, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, उस तरह से विजातीय वृत्ति को निकाल के फेंकना, उसको दूर हटाना और सजातीय वृत्ति प्रवाह बनाए रखना, इसका नाम जप है। ऐसा जप अगर हम करेंगे, ऐसा जप अगर हम करेंगे तो निश्चय ही उसका फल होगा। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर जो है आपको सलाइन लगा के चला गया, हाँ, डॉक्टर गया, आपने सलाइन निकाल दी, डॉक्टर ने एक विशिष्ट पोजीशन में आपको रखा पलंग के ऊपर, डॉक्टर गया, आपने घुमा के फिर से उसको सीधा कर लिया, तो फल मिलेगा क्या? ट्रीटमेंट होगा क्या? नहीं, जप यानी एक विशिष्ट ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा ही करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण। मुझे पेट में तकलीफ हो रही, मैं गया मेडिकल शॉप में गया, वहाँ जाके मैंने वो खरीदी 200 ml की क्या सलाइन की बाटली और घुसा ली, चलेगा क्या? उसके लिए डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन है? उसका नाम सदगुरु है, उसका नाम सदगुरु है। तो जब हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर एक और डॉक्टर चाहिए, उसका नाम सदगुरु है। वो मंत्र जो है वो गुरु से ही प्राप्त करना पड़ता है। जिस मंत्र का हम जप करते हैं वो मंत्र जीवित गुरु से ही प्राप्त करना पड़ता है, मूर्ति से नहीं, समाधि से नहीं, किताब से नहीं, टीवी से नहीं, जीवित गुरु के मुख से प्राप्त करना पड़ता है। क्यों, किस लिए? अच्छा, वो गुरु कैसा होना चाहिए? उसने खुद उस मंत्र की साधना की, ऐसा होना चाहिए।
अब मान लीजिए आपको पेट में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या ऑर्थोपेडिक वाले के पास जाएंगे? आंख में अगर तकलीफ है तो किसके पास जाएंगे? जिसने ऑप्थाल्मोलॉजी की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, जो ऑप्थाल्मोलॉजी में पारंगत हुआ, उसी के पास जाएंगे ना। तो जिस मंत्र की हमको दीक्षा लेनी है, उसकी साधना जिस गुरु ने की है, उसके पास जाना पड़ेगा। दूसरे के पास जाके क्या फायदा? एक बार क्या हुआ, समय हो गया मेरे ख्याल से, एक छोटी सी छोटा सा दृष्टांत सुना के समाप्त करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उस राजा के एक साधु थे, उनके पास गया, बोले महाराज मुझे आपसे मंत्र दीक्षा लेनी है। साधु दयालु होते, स्वभाव से ही दयालु होते, बोले कोई बात नहीं, ठीक है, दे देते मंत्र दीक्षा। तो देखो कौन से मंत्र का जप करो? तो साधु ने कहा राम 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 राम, इस मंत्र में कौन सा मंत्र? राम 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 राम, इस मंत्र का जप करो। राजा ठीक है बोल के निकला। एक ऐसा मंत्र, कौन सा साधु, क्या राम राम उन्हें बोलने का क्या जरूरत है? हजारों किताबों में है राम राम मंत्र, सब तरफ है, आपको नहीं मालूम क्या? भगवान का नाम है राम। उसके पास जाके उसकी पूजा करके, उसके पैर धो के, उसके पैर के ऊपर सिर रख के, उसके मुंह से राम राम सुनने में क्या मतलब है? किताब के अंदर है राम राम, है बेकार। किसने कहा? राजा ने कहा। साधु बोला कि इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा, इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। एक दिन वो साधु राजा के दरबार में गया, राजा के दरबार में गया और जाके खड़ा हो गया। ए सिपाहियों, ये राजा लुच्चा है, इसको गिरफ्तार करो। कौन बोला? साधु बोला, ये राजा लुच्चा है, इसको गिरफ्तार करो। कोई भी सिपाही नहीं है, किसी की हिम्मत थी क्या सिपाही की राजा को गिरफ्तार करे? राजा जो है बैठ के मुस्कुराता रहा। फिर बोला, ए सिपाहियों, ये राजा बदमाश है, इसको गिरफ्तार करो, रस्सियां बांधो साले को। कोई नहीं है, कोई नहीं है। राजा को अब गुस्सा आ गया, ये जरा अपशब्द बोलने रहा, ये गालियां दे रहा और सभा में आके अपमान कर रहा है। सिपाहियों इसको जरा देख लो। जैसे ही राजा ने कहा इसको देख लो, तो सिपाहियों ने जाके उसको पकड़ लिया। शब्द वही, इसको पकड़ो मारो क्या जो कुछ करो, शब्द वही। परंतु साधु के मुख से जो शब्द निकला, उस शब्द का कोई परिणाम नहीं हुआ, और राजा के मुख से जो शब्द निकला उसका परिणाम हुआ। क्यों? क्यों? क्यों परिणाम हुआ? अधिकार, अधिकार, अधिकार। किसका अधिकार? राजा। साधु के पास अधिकार था क्या सिपाहियों राजा को गिरफ्तार करो ऐसा कहने का था क्या? राजा के पास अधिकार था, उसने कहा सिपाहियों साधु को गिरफ्तार करो, झट से जाके गिरफ्तार किया। शब्द वही हो सकते हैं, राम राम शब्द जो है वो आप किताब में पढ़िए तो राम राम है, और कहीं जाइए टीवी में भी आपको राम राम मिलेगा, मोबाइल में राम राम मिलेगा, सब तरफ राम राम मिलेगा, मगर वो राम राम अधिकारहीन ऐसा है। गुरु के मुख से जिसने उस राम नाम की साधना की, उसके मुख से जब वो शब्द प्राप्त होते हैं तो उनके अंदर विशेष अधिकार आता है, विशेष सामर्थ्य आता है। इसलिए गुरुमुख से मंत्र लेकर उसका जप करना अनिवार्य है। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, नामस्मरण के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। वो इंटरनेट के ऊपर पढ़ लिया क्या, सेब का जूस पियो, आठ बादाम सुबह खाओ, आठ बादाम शाम को खाओ, घूमो फिरो, व्यायाम करो। नामस्मरण में गुरु की आवश्यकता नहीं है, जप में गुरु की आवश्यकता है। वहां डॉक्टर क्वालिफाइड MBBS MD होना चाहिए, FRCS लंदन ऐसा डॉक्टर होना चाहिए, तो जो है वो ट्रीटमेंट सही होता है। तो इसलिए इस प्रकार से जप का विधान है। अब जप समाप्त हुआ, उसके बाद क्या करें? भावना तीव्र है, मेरे अंदर परमात्मा बसा हुआ है, चारों तरफ परमात्मा है, ये भावना देखिए हमारा कितना सिस्टमेटिक, कितना पद्धति से निरूपण किया गया है कि अब जब समाप्त हुआ अब क्या करें, अब उस परमात्मा को लेके घूमेगा सब तरफ, क्या करें? वो जहां जहां से हमने लिए थे वहां वहां वापस करने हैं। इति दिग् विमोह कहा, पुनः न्यास करके वो सारे देवता जो बिठाए यहां पर उनको सबको
गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ, उनको जो है अपने अपने स्थान पे भेज देना। फिर क्यों? क्योंकि मुझे खाना खाना है, मुझको भोजन करना है, मुझको स्नान करना है, हाँ मुझको बाथरूम में जाना है, मुझको कपड़े पहनने हैं, नौकरी करनी है, ये सारे काम करने। अग्निर्मय वाच श्रद्धा, वाणी में अग्नि को लेके मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा? जप करते समय अग्नि में, वाणी में अग्नि ठीक है, मगर ऑफिस में जाके नौकरी करनी है, वहाँ अग्निर्मय वाच श्रद्धा तो क्या होगा? आग लग जाएगी। हाँ, तो अग्नि को अग्नि के स्थान पर भेजना, इंद्र को इंद्र के स्थान पर भेजना, वरुण को वरुण के स्थान पर भेजना, इसको जो है उत्तर न्यास कहते हैं। उत्तर न्यास यानी क्या? जिन जिन देवताओं को मैंने इकट्ठा करके अपने अंदर बसाया, उन उन सबको अपने अपने स्थान पर भेज देना। भेज दिया, अब क्या करें? भेज दिया, अब क्या करें? अब उठ के सीधे खाना खाए क्या? नहीं, उसके बाद एक और स्टेप है, उसको कहते हैं कर्म निवेदनम। कर्म निवेदनम, जो कर्म मैंने किया, अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया, हाँ, उसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, उस मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्कृतं तु मया देवं परिपूर्णं तदस्मे, मैं मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, मुझे क्षमा करो, इसके अंदर कोई अपूर्ति अगर रह गई हो, कोई छिद्र रह गया हो, कोई गलती अगर हो गई हो, तो माफ करो और तुम उसको पूर्ण करो, तुम उसको पूर्ण करो, ऐसी प्रार्थना करना। और ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, इस जप का फल मैं कृष्णार्पणमस्तु माणिकार्पणमस्तु, मैं ये सारे इस जप का फल क्या करता हूँ? परमात्मा को समर्पित कर देता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। ये एक पूरा का पूरा एक शास्त्र है, पूरा का पूरा एक विधान है। इस विधान से अगर हम उपासना करेंगे, इस विधान से अगर हम जप करेंगे, तो उसका हमको लाभ होगा। विधि को छोड़कर, विधान को छोड़कर, मनमाने तरीके से अगर हम करेंगे तो उसका हमको लाभ नहीं होगा। होता यह है कि बहुतांश लोग हम विधि को विधान को छोड़कर करते हैं और उसके बाद लाभ प्राप्त नहीं होता, तब क्या बोलते हैं? है हॉस्पिटल बेकार था, ले वो हॉस्पिटल ही बेकार है, हॉस्पिटल को बदनाम करते हैं, डॉक्टर को बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, वहाँ के नियम जो हैं उन नियमों के अनुसार आप जो है व्यवहार करें, ट्रीटमेंट लें, तो रोग जो है वो निश्चित रूप से कम होगा, निश्चित रूप से कम। रोग कौन सा है? रोग कौन सा है? रोग का नाम क्या है? हमारे रोग का नाम क्या है? भव रोग। इस रोग का नाम क्या है? भव रोग है। आनंदम आनंद कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्र वैद्यम भव रोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहम नमामि। सदगुरु क्या है? भव रोग का वैद्य है, इसलिए उसको नित्यम अहम नमामि, नित्य उसको नमस्कार करता हूँ। तो ये जप का संक्षेप में एक परिचय मैंने आपको दिया, अभी विस्तार बहुत है। जैसे जैसे आप साधना करेंगे वैसे वैसे उसमें आपकी प्रगति होगी। मुख्य भाव ये है, भाव। भाव यानी क्या? भाव क्षत्रिय का भाव, भाव यानी प्रेम, भाव यानी प्रेम, मुख्य यानी परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो मन लगेगा, मन लगेगा तो एकता होगी, एकता होगी, मन लगेगा तो एकता होगी। तो आपका मन प्रभु चरणों में लगे, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका मंगल हो, आपका सबका शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।